हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन द मिशन डेवलपमेंट में आपका स्वागत है। मिलेश्वरी डिजिटल मार्केटर। आज हम आ गए कंटेंट मार्केटिंग कोर्स की कंप्लीट सीरीज में। लेसन 5 नाउ अबाउट कंटेंट क्रिएशन, यानी कि कंटेंट क्रिएशन के बारे में जाने पार्ट 2। जैसे कि हमने पार्ट 1 में बात करी थी कि कंटेंट क्रिएशन होता क्या है, साथ ही साथ कंटेंट क्रिएटर कैसे बना जाता है। फिर हमने बात करी थी कंटेंट क्रिएशन आइडियाज पर, और फिर हमने ये भी जाना था कि कंटेंट क्रिएशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए आज के पार्ट 2 में कुछ दिलचस्प चीजें हम यहाँ पे समझने वाले हैं, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम कंटेंट क्रिएशन के बारे में समझ सकते हैं। तो आज के पार्ट 2 में हम जानेंगे क्या होता है गुड कंटेंट, क्या होता है, हाउ टू सेटअप अ कंटेंट क्रिएशन स्ट्रेटेजी, किस प्रकार की हम कंटेंट स्ट्रेटेजी सेटअप कर सकते हैं, और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि किस प्रकार की हम बेस्ट प्रैक्टिस से कंटेंट क्रिएशन कर पाएंगे। तो चलिए इन सभी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कम्प्लीटली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज कंटेंट, गुड कंटेंट, आखिर में गुड कंटेंट होता क्या। तो यहाँ पे बोला गया विद सो मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल दिस डे, यानी कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बिजनेस रिलेटेड फिगर आउट किया जाता है, और एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप इजिली तरीके से कंटेंट को इंश्योर कर पाओगे और एक रिसोनेट कर पाओगे, जिसके थ्रू हम यहाँ पे कम्प्लीटली एक बढ़िया कंटेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो बढ़िया गुड कंटेंट क्रिएट करने के लिए ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, एक यूनिक कंटेंट आपका होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, इजीली तरीके से लोग शेयरेबल कर सके, टाइमली के साथ साथ ये कम्प्लीटली लोगों को एक बढ़िया फील करवाना होना चाहिए। तो इस तरीके के आप गुड कंटेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए इसके लिए और भी हम कम्प्लीटली डीपली समझते हैं। तो फर्स्टली हमारा गुड कंटेंट जो है वो रिलेवेंट होना चाहिए। तो चलिए रिलेवेंट किस प्रकार से होगा तो इसको समझते हैं। तो द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ एनी कंटेंट इज वेदर इट इज रिलेवेंट टू योर टारगेट ऑडियंस, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट कंटेंट यहाँ पे लेके आते हैं तो आपको टारगेट ऑडियंस को लेके, यानी रिलेवेंट वे में उस टारगेट ऑडियंस से रिलेटेड उस कंटेंट को आपको क्रिएट करना चाहिए। आपका बिजनेस गोल के हिसाब से पैरामीटर्स को आपको देखना चाहिए, और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार के कंटेंट आप यहाँ पे दे रहे हैं वो किस प्रकार की गारंटी से रिलेवेंट वे में लोगों को यहाँ पे कनेक्ट कर पाएगा, क्योंकि कंटेंट जो होती है वो ग्रेड होती है, यानी कि स्पेसिफिक नीड्स को, ऑडियंस की नीड्स को फुलफिल करती है, जो भी सामने वाली ऑडियंस की नीड्स होती है। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि कंटेंट प्रोवाइड करवाता है लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो भी सामने वाले ऑडियंस को या कस्टमर्स को चाहिए होती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी एक बढ़िया कंटेंट आप बनाए तो वो अप टू डेट हो, आने वाली इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड पूरी तरीके से रिलेवेंट होनी चाहिए और एक अप टू डेट होनी चाहिए, जिसके थ्रू हम एक बढ़िया गुड कंटेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंसिस्टेंट। अक्सर कहा जाता है किसी भी काम में कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए एज ए डिजिटल मार्केटर, एज ए कंटेंट मार्केटर, किस प्रकार से एक बढ़िया गुड कंटेंट बनाने के लिए किस प्रकार की कंसिस्टेंसी चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है आपके माइंड में कि साथ ही साथ अगर आपको दोनों प्लेयर्स आपके मार्केट में लेके आने, या फिर आप चाहते हो किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग या फ्रीक्वेंसी आप कस्टमर्स और साथ ही आपके बिजनेस के बीच में ट्रस्ट लेके आ सको, एक क्रेडिबिलिटी आपको यहाँ पे लानी पड़ेगी। जैसे कंटेंट मार्केटिंग एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो आपको ध्यान रखना है कुछ फैक्टर्स आपको डिसाइड करने होंगे कि आपके कंटेंट के लिए किस प्रकार की फ्रीक्वेंसी हो सकती है। शायद इस प्रकार से हो कि ऑडियंस प्रेफरेंस एनेबिलिटी ए कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी इज गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू अंडरस्टैंड एंड सेगमेंट योर कस्टमर। कहने का मतलब ये है कि ऑडियंस प्रेफरेंस किस प्रकार से एबिलिटी होती है, और एक कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी किस प्रकार से आप सही दे रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर समझाने से लेकर, साथ ही साथ किस प्रकार के कस्टमर के सेगमेंट को आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी लेके आ रहे हो। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि कंटेंट साइज बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, एक कंटेंट स्ट्रेटजी की जो कॉमन स्ट्रेटजी है वो अप्लाई करती है कंटेंट फॉर्म से, और साथ ही साथ एक लोअर फ्रीक्वेंसी को ऐड करती है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट हमें हमेशा करते रहना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हम एक बढ़िया आइडिया के साथ मेजर कर रहे हैं हमारे प्लान की परफॉर्मेंस को लिए, तो हमें अपनी परफॉर्मेंस को भी मेजर करते रहना चाहिए। तो आपको इन तीनों चीजों का ध्यान रखना होगा इसी कंसिस्टेंसी में कि ऑडियंस प्रेफरेंस एबिलिटी किस प्रकार से काम कर रही है, कंटेंट का साइज किस प्रकार का हम रखना चाह रहे हैं, और एक हमारी परफॉर्मेंस मेजरमेंट किस प्रकार की है, क्योंकि कहा जाता है कंसिस्टेंसी इज की। अगर आप कंटेंट मार्केटिंग का यूज कर रहे हैं तो आपको हमेशा कंसिस्टेंसी बनाए रखना होगा, कंटिन्यू लगातार एक बड़े से बढ़िया कंटेंट यहाँ पे लोगों को एक बढ़िया गुड कंटेंट प्रोवाइड करना होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं थर्ड स्टेप पे, इन्फॉर्मेटिव, किस प्रकार से इन्फॉर्मेटिव कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में समझते हैं। अक्सर कहा जाता है एक बढ़िया कंटेंट के लिए इन्फॉर्मेटिव होना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप कंटेंट के लिए इम्पोर्टेंट रोल यही होता है कि कस्टमर की जर्नी के बारे में आप बता सकते हो, साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपका एक सिंप्लीफाई होना चाहिए, बायर्स की जर्नी से रिलेटेड हर एक मैट्रिक्स जो है प्रोवाइड करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि आपका कंटेंट जो है वो पूरी तरह से इन्फॉर्मल है। अब इसको इन्फॉर्मल बनाने के लिए हमें कुछ कैटर्स की नीड होती है ऑडियंस को लेकर आने के लिए,
साथ ही साथ क्लियर एंड इजी हमें कंप्रेहेंड लिखना होगा कि जो भी हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो क्लियर और एक इजीली तरीके से कंप्रेहेंड काम करे। फैक्ट एंड नंबर आर टाइमली, अगर आप फैक्ट और नंबर्स के हिसाब से कंप्लीटली कंटेंट क्रिएट करते हो तो ये बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करता है, साथ ही साथ एक सही इन्फॉर्मेशन एज ए ऑडियंस को या बायर्स को प्रोवाइड करवाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जितना ज्यादा इन्फॉर्मेटिव आपका कंटेंट होगा उतना ही बढ़िया आपका कंटेंट लोगों को पसंद आएगा। चलिए नेक्स्ट है इंगेजिंग। अक्सर कहा जाता है जब भी हम कंटेंट क्रिएटर एज ए डिजिटल मार्केटर या कंटेंट मार्केटर हम यहाँ पे नया कंटेंट क्रिएट करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि किस प्रकार से हमारा कंटेंट सामने वाले पर्सनालिटीज को या सामने वाले पर्सन या कंज्यूमर या बायर्स को इंगेज कर पाएगा, क्योंकि इंगेज आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका कंटेंट कितना होल्ड कर पा रहा है कंज्यूमर अटेंशन को, साथ ही साथ कितनी आपकी अटेंशन डिक्रीज स्पेन हो रही है और किस प्रकार से इंक्रीज हो रही है आपका फॉलो अप कंटेंट को, तो आपको इंश्योर करना होगा कि आपका कंटेंट स्टैंड किस प्रकार का है। साथ ही साथ आपके ऑडियंस को आपको समझना होगा कि किस प्रकार की आप कंटेंट ट्रिक्स की हेल्प से इजिली तरीके से यहाँ पे चीजें कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स दे रहा हूँ जिसकी आपको हेल्प करनी चाहिए। फर्स्टली ये होना चाहिए कि आपका कंटेंट जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट किसी अदर वेबसाइट से या किसी अदर कॉपीज आप कर रहे हो तो यहाँ पे आपका कंटेंट सही तरीके से इंगेज नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका कंटेंट इज ओरिजिनल होना चाहिए और हेडलाइन हमेशा कैची या फिर इंट्रिगिंग होनी चाहिए, नहीं कि जो भी पर्सन अगर हेडलाइंस को क्रिएट करता है कंप्लीटली आपके कंटेंट को देखकर तो वह कैची हेडलाइन होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका कंटेंट इंटरेक्टिव वे में लोगों को प्रोवाइड होना चाहिए, बढ़िया लुक यहाँ पे प्रोवाइड होना चाहिए फॉन्ट से रिलेटेड। तो आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना होगा तभी आप एक सही तरीके से कंटेंट क्रिएट कर पाओगे और एक बढ़िया एंगेजमेंट सामने वाले से बना पाओगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, फिफ्थ पॉइंट है एक्शन ड्राइवर। अक्सर कहा जाता है एक सही कंटेंट एक बढ़िया एक्शन यहाँ पे लेके आता है और आरओआई की हम बात करें द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपके कंटेंट मार्केटिंग से आता है, एक मार्केटर को ये मेजर करना चाहिए कि कितना एंगेजमेंट उसकी कंटेंट से प्रोवाइड हो रहा है, कितना एंगेजमेंट मेजर हो पा रहा है। ये एक्शन जो होते हैं ना पूरी तरीके से बिजनेस गोल्स रिलेटेड होते हैं, तो आपको कुछ एलिमेंट्स की सपोर्ट लेनी चाहिए जो आपके एक्शन ओरिएंटेड में हेल्प कर पाए। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं आपका जितना भी कंटेंट है वो पूरी तरीके से डायरेक्टिव लोगों के डिजायर एक्शन को पूरा फुलफिल करना चाहिए और साथ ही साथ आपका कंटेंट डिस्नेट एनी कॉल टू एक्शन सीटीएस बटन की हेल्प से बढ़िया तरीके से ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए और कंटेंट जो है वो पूरी तरह से कीप होना चाहिए यानी आपके वायर को और एक बढ़िया तरीके से वो उन्हें क्रिएट करता रहे। तो आपको ध्यान रखना कि किस प्रकार से आपका एक्शन ड्राइवर यहाँ पे पूरी तरीके से काम करता है और एक बढ़िया कंटेंट बनाने में हेल्प करता है। चलिए हम यहाँ पे हम बात करते हैं, हमने समझा कि गुड कंटेंट किस प्रकार से बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हाउ टू सेटअप कंटेंट क्रिएशन स्ट्रेटजी, किस प्रकार से हम कंटेंट क्रिएशन स्ट्रेटजी यहाँ पे सेटअप करेंगे। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो कहा जाता है कंटेंट स्ट्रेटजी गेट्स रिलेवेंट कंटेंट टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम, यानी कि आपका कंटेंट स्ट्रेटजी जो है पूरी तरह से रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए, सही लोगों पर सही समय पर लोग डिस्कस कर पाए और आप उस तरह से कंटेंट क्रिएट सही तरीके से इजी वे में कर सकें। तो कंटेंट स्ट्रेटजी को इस प्रकार की होती है जो एज ए डिजिटल मार्केटर एज ए कंटेंट मार्केटर के लिए जाना जरूरी हो जाता है। ऐसे यहाँ पे बोला कि अगर आप यहाँ पर कंटेंट स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्रिएट करना होगा, देन सेकंड पे एनालाइज करना होगा कि जो भी आप कंटेंट यहाँ पे लोगों को दे रहे हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं तो आपको उसका एनालाइज करना होगा, साथ साथ मेजर करना होगा, प्रमोट करना होगा, देन उसके बाद पब्लिश करना होगा, उसे ऑप्टिमाइज करना होगा और इसी तरीके से कंटेंट स्ट्रेटजी सक्सेस हो पाती है। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ पॉइंटली बात करते हैं। तो सबसे पहले होता है कि कंटेंट गोल, अगर हमें अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी बनानी है तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा कंटेंट गोल क्या है। तो कंटेंट गोल पूरी तरह से हमारा क्लियर होना चाहिए, हमारा रियल में गोल क्या है और सम गोल्स जो होते हैं वो क्लाउड इंक्लूड हो सकते हैं। इस तरह से हम चाहते हैं कि हमारे ब्रांड को एक्सपोजर करें, हम ज्यादा ब्रांड हमारे ब्रांड के बारे में ज्यादा लोगों को पता चले, एक्सपोजर करना चाहते हैं तो इसके बारे में भी हमारा कंटेंट गोल्स होना चाहिए। इसी तरीके से हम चाहते हैं स्प्रेडिंग थॉट लीडरशिप, हम चाहते हैं हमारा जो लीडरशिप का जो थॉट है वो स्प्रेडिंग हो, ज्यादा लोगों को हमारे जो कंटेंट के थ्रू प्रोवाइड हो, तो आप इस तरीके की भी यहाँ पे अपने कंटेंट गोल्स बना सकते हो। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमें अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आना है तो इसलिए हम यहाँ पर अपने कंटेंट गोल को रख सकते हैं। तो इस तरह के कंटेंट गोल यानी बहुत से डिफरेंट कंपनीज के सबसे ज्यादा लीड जनरेट करने के गोल्स होते हैं तो यहाँ पे वो अपने कंटेंट गोल्स बनाते हैं कि हमें लीड जनरेट करना है। इसी तरीके से आप यहाँ पे अपना स्मार्ट कंटेंट गोल्स बना सकते हो। अब चलिए स्मार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। स्मार्ट मतलब होता है स्पेसिफिक, एम मतलब मेजरमेंट, ए मतलब अचीवमेंट, आर मतलब रिलेवेंट और टी मतलब टाइम बाउंड।
तो जैसे कि सबके बारे में सिंपल वे में समझ लेते हैं, एस मतलब स्पेसिफिक, यानी कि आप किस प्रकार से एग्जैक्टली एक कॉम्प्लेक्स नीड्स को फुलफिल कर रहे हो, या आपको स्पेसिफिक तरीके से पता होना चाहिए। एम मतलब होता है मेजरेबल, किस प्रकार से आप एक कॉम्पिटिटिव लेवल और साथ साथ किस प्रकार की आपकी प्रोग्रेस जो हो रही है उसे आप मेजर कर पा रहे हैं। ए मतलब होता है अचीवमेंट, यानी कि रियलिस्टिक और पॉसिबल अचीवमेंट आप कितनी ले पा रहे हो। और रिलेवेंट यानी कि अलाइनमेंट टू द बिजनेस गोल्स आपका, जैसे बिजनेस गोल क्या है जिसका हमने समझा था, लीड जनरेट करना या वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक लेके आना या फिर ब्रांड को एक्सप्लोर करना, ये सभी चीजें रिलेवेंट होता है। साथ ही साथ टी मतलब होता है टाइम बाउंड, यानी कि जो भी आपने टारगेट रखा है वो किस एंड डेट तक रखा है, क्योंकि कॉन्टेंट गोल के लिए सभी चीजें पूरी तरह से काम करती है। अब चलिए यहाँ पे बात करने वाले हैं नाउ योर ऑडियंस एज ए कंटेंट क्रिएशन यहाँ पे कर रहे हैं, इसके बारे में हम जान रहे हैं, तो ये भी जानना जरूरी आता है कि हमारी ऑडियंस क्या है, तो हमें ये भी जानना जरूरी है। तो इफ योर नाउ योर ऑडियंस इनसाइड एंड आउट द कंटेंट यू क्रिएट रेजोनेट विद हिम, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने ऑडियंस के अंदर और बाहर के बारे में जानते हो किस प्रकार से ऑडियंस चीजें पसंद कर पाएगी और नहीं कर पाएगी, कॉन्टेंट आप इस तरह से रेजोनेट कर पाओगे तो आपको बहुत जरूरी चीजें पता चल पाएंगी। जैसे कहा जाता है अगर आप टारगेट करते हैं डेमोग्राफिक से टारगेट करते हो, या फिर आप समझते हो कि करंट ऑडियंस किस प्रकार से उनका बिहेवियर है, थॉट क्या है, उनकी नीड क्या है, इस तरीके की आप स्टार्टिंग पॉइंट को अच्छे से समझ लोगे तो एक बायर पर्सोना आप यहाँ पे क्रिएट कर पाओगे। साथ ही साथ आपकी ऑडियंस को जानने के लिए ये भी समझना होगा कि किस प्रकार के आप बेनिफिट प्रोवाइड करवाएंगे, जो कस्टमर्स आपको जानते हैं, आपके मार्केट चैनल को जानते हैं, किस प्रकार से आप उन्हें एक मोस्ट इफेक्टिव वे में काम दे पाओगे या फिर उन्हें एक सही तरीके से सर्विसेज दे पाओगे। तो ये पूरी चीजें हमें अपने ऑडियंस के बारे में जानना चाहिए। बायर पर्सोना की हम बात करें जो सबसे पहले जाता है डील ब्रेकर्स, किस प्रकार से आप डील कर पा रहे हो, टाइमली किस प्रकार से चीज दे रहे हो, क्वेश्चनिंग क्या है आपकी, चैनल इन्फॉर्मेशन किस प्रकार से, डे टू डे वर्क लाइफ कैसे चल रही है, इन्फ्लुएंस कैसे कर पा रहे हो आप, बाइंग प्रोसेस किस प्रकार से आपने बनाई, एंगेजमेंट कितना आ रहा है आपके कंटेंट पर, ऑब्स्टेकल्स क्या क्या है, पर्सनैलिटी टाइप्स क्या हो रही है, प्रॉब्लम्स एंड फियर्स क्या क्या आ रहे हैं, ड्राइवर एंड मोटिवेशन आप किस प्रकार से दे रहे हैं, और कीवर्ड्स एंड लैंग्वेजेस का किस प्रकार से आपने कंटेंट में यूज कर रहे हैं, इस तरीके के आपके बायर पर्सोना से आप चीजें समझ पाओगे और आपकी ऑडियंस के बारे में आप जान पाओगे। अब चलिए हम बात करते हैं कंटेंट आइडिएशन की, एक सही कंटेंट आइडिएशन किस प्रकार से हम लगा सकते हैं। वंस यू आर क्लियर विद द गोल्स एंड द टारगेट ऑडियंस, यानी कि आपको अपने गोल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपकी टारगेट ऑडियंस क्या चाहती है, ये जनरली एक्सप्लोर करती है आपके बड़े कंटेंट आइडियाज को लेके आने के लिए और सही तरीके से आपके क्रिएशन को बनाने के लिए। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आपको बता रहा हूँ जो आपके कंटेंट आइडिएशन के लिए हेल्प करेंगे, एलिमेंट्स कुछ प्रोसेस होती है जिनका आप यूज कर पाओगे। तो जैसे कि सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द बायर्स जर्नी, जैसे मैंने आपको अक्सर कहा है कंटेंट क्रिएट करने से पहले आपको एक बायर की जर्नी को अंडरस्टैंड करना होगा और साथ ही साथ जनरेट करना होगा कंटेंट आइडियाज किस प्रकार से आप प्रोवाइड करवा रहे हो, किस प्रकार के आप आइडियाज दे सकते हो जिसके थ्रू आप एक बढ़िया तरीके से आइडिएशन यहाँ पे ला सको। साथ ही साथ कंटेंट प्लानिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है जब आप एज ए कॉन्टेंट क्रिएशन करते हो अपनी वेबसाइट के लिए या फिर एज ए लीड जनरेट करने के लिए आप कॉन्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हो, तो आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से आप कॉन्टेंट की प्लानिंग कर पाओगे। साथ ही साथ कॉन्टेंट कैलेंडर बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है, अगर आप कंटेंट कैलेंडर के हिसाब से चीजें करते हैं तो डे बाई डे आपकी परफॉर्मेंस तो ग्रोथ होती है और साथ ही साथ आपका बर्डन भी कम होने लगता है और आप एक बढ़िया तरीके से सुटेबल वे में सही कंटेंट क्रिएट कर पाते हो, तो कैलेंडर की आप हेल्प ले सकते हो। तो इजीली तरीके से कंटेंट क्रिएट कर सकते हो सही मार्केटिंग के साथ साथ यूजर जनरेट करने से लेके हर एक चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कंटेंट क्रिएशन एंड पब्लिशिंग की, जैसे कि अभी हमने बात करी कंटेंट आइडिएशन की, अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं कंटेंट क्रिएशन और पब्लिशिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो एक कॉम्पिटेटिव एनालिसिस हमें करना होगा, अगर हम सही कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, पब्लिशिंग कर रहे हैं, अब जब इस स्टेप पर हम पहुंच जाते हैं तो हमें अपने कॉम्पिटेटिव का भी एनालिसिस करना होता है। तो इस प्रोसेस में इंश्योर किया जाता है कि हमारा जो कंटेंट है वो मिस तो नहीं हो रहा है, कुछ चीजों को छोड़ तो नहीं रहा है, हमें इसमें इंक्लूड करना चाहिए, एसईआरपी एनालिसिस करना चाहिए, एक रिलेवेंट सीटीएस यानी कि क्लिक थ्रू रेट हमें देखना चाहिए और साथ ही साथ एक वैल्यू रेट हमें यहाँ पे ब्रांड के लिए लेके आनी चाहिए। अब यहाँ पे हम समझेंगे किस प्रकार से हम एसईओ की रिव्यू कर सकते हैं, अगर एक सही कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, पब्लिशिंग कर रहे हैं, तो हमें एक एसईओ रिव्यू भी जानना जरूरी हो जाता है। तो इस स्टेप में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम हेडर्स का, टेक्स्ट का और कीवर्ड्स का यूज कर पा रहे हैं, जो सही एसईओ की प्रैक्टिस होती है। ये कंटेंट को बेटर बनाने में और सही रैंकिंग लाने पर हमारे पेज को सही एसईआरपी लाने में बूस्ट करता है और हमारे ट्रैफिक पर यानी हमारी साइट पर सही तरीके से ट्रैफिक लेके आता है। साथ ही साथ ये जानना भी जरूरी हो जाता है किस प्रकार से हम डिजाइन के रिव्यू दे सकते हैं, ये प्रोसेस होती है विजुअल एलिमेंट्स की और साथ ही साथ कॉम्पिटिटर्स को मेंटेन करने के लिए और एक ब्रांड की विजुअल तरीके से इंटीग्रिटी बनाने के लिए डिजाइन रिव्यू बहुत जरूरी आता है। तो आपको इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप कंटेंट क्रिएशन या पब्लिशिंग कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना होगा किस प्रकार से आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो, एसईओ रिव्यू किस प्रकार से कर सकते हो और डिजाइन रिव्यू। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कंटेंट क्रिएशन की प्रोसेस
प्रोसेस कैसी होती है जब हम क्वांटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं, अच्छा कंटेंट के बारे में जान लेते हैं, क्यों इंपोर्टेंट होता है, ये सभी चीजें बेसिकली समझने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आता है कि क्वांटिफिकेशन की प्रोसेस आखिर में रहती क्या। तो जैसे कि मैंने आपको बताया आपके पास एक कॉन्टेंट प्लानिंग होनी चाहिए, और कॉन्टेंट प्लानिंग में क्या क्या चीज हो सकती है आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉन्टेंट प्लानिंग में आपको अपने गोल के बारे में डिफाइन होना चाहिए, जैसे मैंने गोल के बारे में बात करी कि आपका गोल किस प्रकार से लीड जनरेट करने का या वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक लेके आने का या आपके ब्रांड की ज्यादा एक्सप्लोरिंग करने का। साथ ही साथ फिर इसके बाद आप कंटेंट प्लानिंग में डिफाइन गोल कर लेते हो, फिर आपको यहाँ पर अपना एक कंटेंट कैलेंडर क्रिएट करना होता है जिसके थ्रू आप डे बाय डे अपनी परफॉर्मेंस सुधारते हो, साथ ही साथ डे बाय डे लोगों को एंगेज कर पाते हो। बिल्ड अ कंटेंट टीम, आपको अपनी कंटेंट टीम यहाँ पे बिल्ड करनी चाहिए, आइडिया एंड प्लान कंटेंट आपको यहाँ पर लेके आना चाहिए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस में सबसे पहले हमें कंटेंट कि फर्स्ट स्टेप प्लानिंग करनी होगी, देन इसके बाद टास्क असाइनमेंट हमें यहाँ पर देखना होगा जो डिफाइन करेगा क्या रोल हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, किस डेडलाइंस हमें यहाँ पे सेट करनी होगी, और साथ ही साथ अलाउ करना होगा कि किस प्रकार से हम इजीली वे में कोलैबोरेट कर पाएंगे। अब जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप कंप्लीट करते हैं टास्क असाइनमेंट की, अब यहाँ पे हम पहुंच जाते हैं थर्ड स्टेप में जिसमें हमें रिव्यू एडिटिंग एंड रिविजन यहाँ पे करना होता है, जिसके बारे में हमने जाना कि किस प्रकार से हम कोलैबोरेट टूल्स कैलकुलेट सकते हैं, प्रूफरीड या फैक्ट टेक्स्ट चेक की हम रूल्स यानी कि चीजों को चेकआउट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद फोर्थ स्टेप हो जाता है अप्रूवल, किस प्रकार से क्लाइंट्स हमें अप्रूवल कर पा रहे हैं, अप्रूवल का इंटरनल और प्रोजेक्ट ओनर्स किस प्रकार से हमें यहाँ पे चीजें मिल रही है यह हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। फिर स्टेप आती है पब्लिशिंग, जिस प्रकार से हम अपलोड कर रहे हैं या किस प्रकार से हम प्रीव्यू देख सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं। फिर इसका सिक्स्थ स्टेप हो जाती है प्रमोशन की, एज ए सोशल मीडिया डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके से कंटेंट क्रिएशन पब्लिश कर सकते हैं, ईमेल न्यूज़लेटर की हेल्प से रिपर्पसिंग या पेड एड्स की हेल्प से हम इजीली तरीके से कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस का यूज कर पाएंगे। अब यही कंटेंट ऑडिट एंड मेंटेनेंस होता रहता है, यही प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। तो आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से हम कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस की हेल्प ले सकते हैं, जिससे सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि सही कंटेंट प्लानिंग होनी चाहिए, सेकंड चीज टास्क असाइनमेंट होना बहुत जरूरी हो जाता है, रिव्यू एंड एडिटिंग करना और रिविजन करना उन चीजों के बारे में ये बहुत जरूरी हो जाता है, जो भी चीज आप पब्लिश कर रहे हो उसके बारे में पहले आप रिव्यू करिए, एडिटिंग कीजिए और कुछ रिविजन आप ध्यान रखिए, साथ साथ अप्रूव कीजिए कि जो भी आप क्लाइंट्स को अप्रूव करना चाह रहे हैं या जिस भी तरीके से आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसे अप्रूव कीजिए, देन इसके बाद आप पब्लिशिंग कीजिए, अपलोड रिव्यू या फिर आप डायरेक्ट उसे पब्लिश भी कर सकते हो। देन इसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है प्रमोशन करने की, जो डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर ईमेल न्यूज़लेटर हो या फिर वो पेड एड्स ही क्यों ना हो। तो चलिए इस तरीके से आप कंटेंट क्रिएशन एक बढ़िया तरीके से अपने बिजनेस के लिए एक क्रिएटिव मार्केटिंग के थ्रू यहाँ पर कर सकते हो। अब चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट की। जब कंटेंट क्रिएशन में बात आती है तो किस प्रकार से हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करते हैं, तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो जैसे कि डाटा जो है एवरीवेयर है, आपको ध्यान रखना है डाटा इज एवरीवेयर, सो व्हाई शुड यू मार्केटर्स अवे अवे फ्रॉम डेटा ड्राइवन कंटेंट स्ट्रेटेजी। क्यों मार्केट स्ट्रेटेजी, मार्केटर्स जो होते हैं वो हमेशा क्यों कहते हैं कि डाटा ड्राइवन कंटेंट स्ट्रेटेजी जो है वो पूरी तरह से हमें लेके आनी चाहिए। डेटा जो है हर एक जगह आपको ध्यान रखना होगा और ये क्लिकिंग बैक में होता है, ये आपके बिजनेस गोल से लेके आपके नए नए स्टेप, आपके इंपोर्टेंट स्टेप क्या है, सभी मेजर परफॉर्मेंस को मेजर करता है और साथ ही साथ एक सही मेट्रिक्स आपके रेट ऑफ परफॉर्मेंस में लेके आता है। तो आपको ध्यान रखना है एक सही परफॉर्मेंस मेजरमेंट आप कर रहे हो तो नंबर ऑफ व्यूअर्स कितने हैं, साथ ही साथ एक ऑर्गेनिक और नॉन पेड ट्रैफिक आपका किस प्रकार से आ रहा है, बाउंस रेट कितना बढ़ रहा है और साथ ही साथ कितना आप अपने पेज पर टाइम स्पेंड कर रहे हो और कितने ऑडियंस आपके पेज पर टाइम स्पेंड कर रही है, सोशल एंगेजमेंट मैट्रिक्स किस प्रकार से आ रहा है, कन्वर्सेशन लीड जनरेट कितनी आ रही है, सभी चीजें परफॉर्मेंस मेजरमेंट में आती है, एज ए कंटेंट मार्केटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें हो जाती है। अब चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बेस्ट प्रैक्टिस फॉर कंटेंट क्रिएशन, किस प्रकार से हम सही प्रैक्टिस से कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, तो चलिए इसके बारे में रिव्यू कर लेते हैं। तो बेस्ट कंटेंट माइट नॉट गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट, यानी कहा जाता है कि बेस्ट कंटेंट ये आपके रिजल्ट को नहीं लेके आता है, बट मार्केट रियलाइज करता है ये इंपॉर्टेंट होता है एक इफेक्टिव कंटेंट मार्केटिंग के लिए, साथ ही साथ ये ट्रायल करता है आपके कंटेंट को सेल आउट करने से लेकर जो भी आप कंटेंट में सेल आउट करना चाहते हैं, ऑल्सो एक हुक होता है जो ऑडियंस को एक वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करवाता है, ये स्ट्रेटेजी जो होती है ये क्रिएट की जाती है एज ए कम्युनिटीज के लिए और साथ ही साथ आपकी कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से हम बढ़िया कंटेंट क्रिएशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में और समझ लेते हैं। तो अक्सर कहा जाता है आपको हमेशा सही प्रैक्टिस करनी है कंटेंट क्रिएशन में, तो क्लियर एंड इजी कॉम्प्रिहेंड होनी चाहिए, एक हाई रिलेबिलिटी होनी चाहिए, आप कंट्रीब्यूट कर पाओ, लॉट ऑफ कंटेंट परफॉर्मेंस की देख पाओ, साथ ही साथ आप अपने कंटेंट को रीड कर पाओ, इंश्योर कर पाओ कि किस प्रकार से आप जो कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो सही है या नहीं है, रिजोनेट कर सकते हो अपने ऑडियंस को। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप कंटेंट
प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करो तो वो क्लियर और इजी टू इम्प्रेडेंट होनी चाहिए, लोगों को इजीली तरीके से समझ में आना चाहिए। साथ ही साथ इनवाइट यूजर जनरेटेड कंटेंट, यानी इसको बोला जाता है यूजीसी, यानी कि यूजर जनरेटेड कंटेंट की हम बात करें तो आप इंक्लूड कर सकते हो यूजर जनरेटेड कंटेंट को, जो ऑप्टिमाइज करता है अलग अलग कंटेंट, और ये कंटेंट जो होती है इंसाइटफुल तरीके से आपको स्टार्ट करता है डेवलप के हिसाब से, और ये आपको शेयर करवाता है बहुत सारी चीजों को, अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड करवाता है, और नए टेकअवेज हमें यहाँ पे दिए जाते हैं अलग अलग वर्किंग के हिसाब से, तो हम यहाँ पे इन्वाइट कर सकते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट को, साथ ही साथ बढ़िया कंटेंट की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में और समझ लेते हैं। आप प्रमोट कर सकते हैं कंटेंट कॉलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एंगेज करने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया चैनल जो है बहुत बढ़िया वे है जिसके थ्रू लोग हम इससे चीजें सीख सकते हैं, बड़ी तरीके से इसमें काम कर सकते हैं, और अपने कंटेंट को प्रमोट करने के लिए अलग सोशल मीडिया डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स का यूज हम कर सकते हैं। साथ ही साथ टैप इन दी इन्फ्लुएंसर, हम इन्फ्लुएंसर से टैप हो सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर के साथ में एज ए ब्रांड अवेयरनेस के लिए, इन्फ्लुएंस रेपुटेशन बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ एक फॉस्टर क्रेडिबिलिटी हमें यहाँ पे लेके आने के लिए, तो हम वॉचफुल इन्फ्लुएंसर की हेल्प ले सकते हैं, क्रेडिबिलिटी की यूज कर सकते हैं, साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए ये हमारे ब्रांड पर एक थोड़ा सा इंपैक्ट भी पड़ता है नेगेटिव का, तो इस चीज का भी ध्यान रखना होता है कि ऐसे नया नया हमारा ब्रांड आता है, सर्विसेज आती है, तो हमें स्टार्टिंग में ही पूरी चीजें नहीं करनी होती, तो कुछ प्रोसेस हमें यहाँ पे समझना होता है, और एक सही तरीके से कंटेंट क्रिएट करके एक बढ़िया तरीके से फ्लेक्सिबल और हमारी बढ़िया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हम यूज कर सकते हैं, जो हमेशा फ्लेक्सिबल होती है और मॉडिफाई कर सकते हैं इस अप्रोच तक, और अपनी ऑडियंस से मिल सकते हैं, और साथ साथ उनसे अपने कंटेंट की नीड्स के बारे में जान सकते हैं। अब चलिए कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस को हम इजीली समझ लेते हैं, जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट एसईओ रिसर्च करना, आपको पता होना चाहिए आइडिया आपके बारे में, आपको पता होना चाहिए किस प्रकार का आप कंटेंट यहाँ पे लेके आने वाले हो, राइटिंग एंड क्रिएटिंग होना चाहिए किस प्रकार से आप लिख रहे हो या क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि कोई भी कंटेंट कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट कंटेंट यहाँ पे नहीं चलता है। साथ ही साथ एडिटिंग होनी चाहिए, अपलोडिंग के साथ साथ पब्लिशिंग और प्रमोटिंग करना, आपको ये सभी चीजें कॉन्टेंट के प्रोसेस में मिलती है, तो इन सभी प्रोसेस का आप इजी तरह से यूज कर सकते हो। आई होप कि आप कम्प्लीटली समझ गए होंगे कि किस तरह से हम कॉन्टेंट क्रिएशन की पूरी प्रोसेस के बारे में काम कर सकते हैं, बढ़िया नया कंटेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इन सभी के बारे में आपने स्टेप बाय स्टेप समझा होगा, आई होप कि आप जरूर सभी के प्रैक्टिस करके देखोगे। विश यू द बेस्ट, थैंक यू सो मच।